इम्पोर्ट करते थे कोई भी रॉ मटेरियल, अगर आप उसको नहीं छुड़ाते टाइम से, कोई आपकी मजबूरी हो गई, कोई फंड का मसला हो गया, तो इनकी पेनल्टी होती थी जो 1 लाख तक जाती थी, वो उन्होंने खत्म कर दी है, ये अच्छा काम किया है। कस्टम की वैल्यूएशन रूलिंग जो है वो 90 डेज तक वैलिड होती है, तो उसका फैसला ही नहीं करते थे। अब ये कानून आ गया कि 60 डेज में आप जो है रिव्यू फाइल कर सकते हैं ताकि उसका फैसला हो जाए, ये एक अच्छा काम किया है। अच्छा, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ मुल्क में जो एक कमजोरी है, इंडस्ट्रियल जोन बहुत कम है जो बनने शुरू हुए हैं। अब उसमें जो ये प्री फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिससे आपने सीधा सीधा फैक्ट्री लगानी है, स्ट्रक्चर लाए आपने खड़ा किया, छत बांधी और आपने फैक्ट्री शुरू कर दी, उसको उन्होंने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन से निकाल दिया। अरे जनाब, अगर वो कैपिटल गुड नहीं है तो फिर क्या है? आपकी तो इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपने कुछ जो है ना मशीनरी हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये तो कैपिटल गुड्स की बात है ना। अब इधर एक तरफ आप बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ऐसी जड़ बनाने की, KPK में 4 जोन बना रहे हैं, पंजाब में बना रहे हैं, सिंध में बना रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप कंट्राडिक्शन क्या कर रहे हैं कि जो उनकी प्री फैब्रिकेटेड जो छतें या बिल्डिंग होगी उसको आपने कैपिटल गुड्स से निकाल दिया। तो ये साथ साथ जो है छेड़ाछाड़ी करने से आप क्लियर लोगों को रास्ता दें ताकि वो अपना बिजनेस करें। अच्छा, एक और उन्होंने काम किया अजीब सा कि मास्टर बीएल जो भी एक्सपोर्ट होगी या इम्पोर्ट होगी मास्टर बीएल की होगी, वरना कितनी पेनल्टी। अब होता क्या है कि मैं फ्रेट फॉरवर्ड, मेरी एक कंपनी है, तो मैं बार बार शिपिंग लाइन नहीं फूल करूँगा, 2 कंटेनर चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, मैं कहूँगा 50 कंटेनर चाहिए, 2 इधर जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 4 वहाँ जाएंगे, 6 वहाँ जाएंगे, तो मुझे वो एक मास्टर बीएल देते हैं, उसके बाद में जो है ना हाउस बीएल इशू करके जो भी जिसका माल उसको देता हूँ। इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया, इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है। बात यह है कि आपको दुनिया में एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आप चलेंगे ना। दुनिया में अगर हाउस बीएल इशू होता है और वहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, वैसे भी आजकल तो सब चेन सप्लाई चेन का सिस्टम आ गया है। मिसाल है अमेजोन है, कोई चीज़ यहाँ से लेता है, कोई चीज़ उस किसी मुल्क से लेता है, कोई चीज़ किस मुल्क से लेता है, यहाँ भी आपकी जो रिटेल वाले कोई चीज़ चाइना से लेंगे, कोई अमेरिका से लेंगे, कोई कहीं से लेंगे, तो आप सप्लाई चेन का दौर आ गया ना, अभी आप उसको देख के चले ना। इसके अलावा जो इन्होंने अभी जो चीज़ें ड्यूटीज चेंज किए हैं, टैरिफ चेंज किए हैं, उसको 5th शेड्यूल के साथ अलाइन नहीं किया है। जो चीज़ें चेंज हो गई 5th शेड्यूल जो है कस्टम एक्ट का, उसमें भी उसको चेंज करें ना, उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन बातों में आए कस्टम की इनवॉइस। अच्छा, एक बड़ा अजीब काम किया है कि जब हम माल इम्पोर्ट करते हैं तो कस्टम की इनकी एक कंडीशन है कि इनवॉइस लाए कंटेनर में। आप मुझे बताएं कि जब माल आता है तो वहाँ टर्मिनल हेड ऑपरेटर होता है और कस्टम वाला होता है, वहाँ आमतौर पर जब उनका मूड होता है तो इनवॉइस अंदर से फाड़ देते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख जुर्माना कर देते हैं। भाई देखें, दुनिया में आजकल जो है ये सिस्टम नहीं है। जब मैंने बैंक में इनवॉइस दे दी, अच्छा दूसरी बात है, मैंने आपसे माल लिया, आपने कहीं और से लेके दिया, क्योंकि आप वहाँ से लेते हैं, मिसाल है 100 कंटेनर, मेरा 1 कंटेनर का ऑर्डर, आपको जो प्राइस मिलती है मुझे नहीं मिलती, मैं आपसे लेता हूँ। अब वो अगर कंटेनर में इनवॉइस नहीं लगाई या किसी ने निकाल ली, अब उन्होंने किया है कि पहले इतना जुर्माना, इतना, आखिर चौथी दफा हुआ तो हम माल जब्त कर लेंगे। अरे भाई, मुफ्त माल थोड़ी है, ऐसे कैसे जब्त कर लेंगे? हमने माल मंगाया है, पैसे दिए हैं, आप कौन होते जब्त करने वाले? आपके पास क्या राइट है जब्त करने वाला? आप ऐसे बात करें जैसे आपकी सारी खराबियाँ दूर हो गई। और पहली बात ये, कोई भी आप काम करें किसी किस्म का, ये देखें कि इस इनवॉइस वाले मामले से एक सेक्टर को आज तक 4 सालों में क्या नुकसान हुआ। मैं इनको बैठ करता हूँ, उनका आधे से आधा 0.05% क्या, आधा 0.001% कोई ऐसा मसला होगा तो क्या बंदा क्लीन नहीं होता। लेकिन आप देखें, आपकी जो है मेजर इम्पोर्ट है ऑयल की, खाने का तेल, उसके बाद ये जो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो फ्लैट पे स्कैन पे क्लियर होते हैं, इसकी पब्लिकेशन आती है। आप ऐसे कानून बनाते हैं कि जैसे आपने बनाना ही लोगों को टॉर्चर करने के लिए, ये तो बिल्कुल विड्रॉ होना चाहिए। आप माल को जो है ना जब्त कर लेंगे और ये कर लेंगे, इस तरह के जो कानून बनाते हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए कि किसके दिमाग की पैदावार है कि भाई माल मैंने मंगाया और फिर मैंने सप्लायर को मैंने अच्छी खोली, इनवॉइस उसने लगानी, मैंने नहीं लगानी। अगर वो नहीं लगाता, आप कहें जी हम उसको बैन कर देंगे, उसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट आप कर लें, आप अपने लोगों को फेवराइज करते हैं। मिसाल है, एक आदमी सोचता है कि मेरे पास LC आई 50 कंटेनर की, मैंने लगा था, लिख दिया डॉक्यूमेंट, मैंने लगा दिया, मैंने कंप्लाइंस कर दी,
नहीं करता, मैं क्यों उसकी जो है पेनल्टी पे करूँ? आप मैक्सिमम उस कंपनी को बैन कर दें कि भाई आपने ये किया था, आप बैन। आप हर वक्त अपने लोगों को, अपने टैक्स पेयर्स को, अपने जानने वालों को, अपने मुल्क चलाने वालों को ये तारीफ करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जो है ना बड़ी पुरजोड़ हम मरम्मत करते हैं, और जो है ना इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई आइंदा जो है जो ऐसा बनाया कानून भाई इसको आप फारिग करें। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लगा देते हैं चीज़ें, जबकि शौकत तरीन साहब ने क्लियरली कहा था हर चीज़ हम मुशावरत से करेंगे। लेकिन बात यह है कि मुशावरत उन्होंने हमारी काफ़ी चीज़ें मानी भी हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं मानी है, जो चीज़ जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर पे है वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला थीम तो ये होना चाहिए कि जो टैक्स दे रहा है आप उसको फैसिलिटेट करें, जो नहीं दे रहा हम आपकी मदद करते हैं, हमने आपको निशानदेही की है कितने कनेक्शन है, आप जाके उनको रजिस्टर करें, टारगेट उसको करें, खाने पीने की चीज़ें आप सस्ती करें। अब आपने चीनी का पहले इतना जो है बात है, और दूसरी बात है रॉ मटेरियल भी सारे बड़े महंगे हो गए हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है दुनिया में, फूड इन्फ्लेशन दुनिया भर में इसीलिए हो गई है। अब आप बजाय इसके कि जो है उसको रियायत करें, सेल टैक्स कम करें, आप पी ओ एस में डाल के उसको और महंगा कर रहे हैं, आप उसके जो है विदहोल्डिंग जो है उसको बढ़ा के बैठे हैं या उसको, और फिर आप कहते हैं कि जो आदमी आए जो इंडस्ट्री चलाती है ब्लेंड करती है वो हमारे पास आए और हम उसको जो है ना एग्जम्पशन देंगे। आप सबको पता है एग्जम्पशन ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए जाके उनकी खिदमत करनी पड़ती है। तो ये ऐसी चीज़ें रखने की जरूरत ही नहीं है जिससे मुल्क को जो है ना मतलब जहाँ एक आदमी शायद इसी प्लानिंग में रहे कि मेरी कीमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम। तो अभी हम लोग मेरा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बाकी लोग भी अपने अपने पॉइंट्स जो उनके पास आए वो भी अपना हिस्सा हिस्सा डालें। अब ये एक यहाँ स्टील वाले बैठे हुए हैं, अब ये मुझे आज कह रहे थे कि 400 यूनिट हैं इनके, 400 70% डिमांड ये यूज करते हैं और 30% या 25% करते हैं लार्ज रिलोडिंग मिल्स वाले। अब इनका उनका जो है ना जो डिस्पेरिटी उन्होंने ऐसे रखी हुई है कि ये सारी बंद हो जाएंगी, अगर ये बंद हो गई तो नुकसान ही क्या होगा कि वो चार पाँच लोग जो है उनका होल्डिंग हो जाएगी, आपको जो है हर चीज़ महंगी मिलेगी। जब आप मोनोपोली पे चले जाते हैं और 5-10 लोग जो है मुल्क को चलाते हैं एक सेक्टर को, तो आपको फिर पता कि कंपटीशन नहीं होता, फिर वो आवाम को एट दी एंड जो है लोगों को ही हर चीज़ महंगी मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट है, तो हम इसको उठाएंगे, और अगर किसी का कोई पॉइंट मुझे रह गया तो मैं बाद में उठाता हूँ। अभी मैं माइक देता हूँ शाहजी बकर साहब को, उस बात को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। शुक्रिया प्रेजेंट साहब। जैसा कि कल आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, बजट की तकलीफ जब वहाँ पे वफाकी